जेहि सुमिरते सिधि होई, अगणनायक करिवर बदन, करहुं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, अमु को ही बचाले, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, अजाशु कृपा सदयाले, द्रवं सकल कली मल दहन, बंदहुं गुरु पद कंजी, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जसु बचन रवि करनी कर। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत छोटी सी बात है कि मात्र 6 तत्व में पूरी सृष्टि और परमात्मा सब, ठीक ना? इतनी छोटी सी बात है कि यही 6 तत्व, जिसमें एक तत्व परम तत्व परमात्मा जिसको कहते हैं, और बाकी 5ों प्रकृति के तत्व है, धरती, पानी, आग, हवा और आकाश, ठीक ना? जो परम तत्व में चित्त को स्थिर कर लिया, वह शांति को प्राप्त कर लिया, और जो प्रकृति के अंदर ही धर रे, पकड़ रे, मार रे, कर रे, अपन यही में मन लगा दे, वो खाली अशांति के, और यही में वो मरी और जन्मी, स्वर्गो जी राई, फिर ओकर यह क्रिया रही। कब तक? जब तक ओके यथार्थ ज्ञान न हो जा, यथार्थ माने वास्तविक ज्ञान न हो जा, और वो ज्ञान के प्रयोग से जड़ और चेतन के गांठ खोल के चेतन में लीन न हो जाए, ठीक ना? इतना ही कार्य है। और प्रकृति वह परम तत्व के ही अस्तित्व से है, ऐसा नहीं कि आप पहले नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे। जो जिस आत्मा के द्वारा आप लोग चल रहे हैं, हम सभी लोग चल रहे हैं, वह आत्मा कभी नष्ट होने वाली नहीं है। अभी दूसरा अध्याय प्रारंभ होने वाला है, और इसी अध्याय में प्रभु कृष्ण जी अपने श्री मुख से स्वतः कहे हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, अनैनम दहति पावक, अनैनम क्लेदयन्तापो, अनाशोषित मारुतः। यानी कोई शस्त्र उस आत्मा को भेद नहीं सकता,
ना तो कोई अग्नि उसको जला सकती ना तो कोई समुद्र उसे गीला कर सकता है और ना तो हवा उसको सुखा सकती। ठीक ना, तो शस्त्र भेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो वह तो अमर है। बस यही रूप और नाम, इसी को जो स्थिर रहने का प्रयास है, यही माया मृग के पीछे दौड़ना है। दौड़ते दौड़ते कितने युग बीत गए हैं, कितने जन्म हो चुके हैं, कितनी योनियां मिल चुकी हैं, इसका अनुभव तक लोगों को नहीं है। जबकि लोग कुत्ते, सुअर, बिल्ली, खरगोश, सियार, गधा, खच्चर सबका स्वभाव दिखा रहे नहीं, मुंह है बस भार ढोवाता है खच्चरे की तरह ने नहीं, तो निश्चित बात कि वो स्वभाव बा अंदर, और स्वभाव के अंदर भगवत भाव जब पूरा भर जाला, तब ओ जीव के अंतर आत्मा में मात्र श्री राम जी रह जालेन, बाकी कौनो जी नहीं रह पाते। तब भगवत भाव पावे बदे भगवान का ज्ञान होना बहुत जरूरी। काहे को नहीं का कुल शरीर बा, और वेद ऐसा कहते हैं कि वे सब में होते हुए भी वे कभी हुए ही, और अज्ञान बस यहां लोग हो जाते हैं। ठीक ना, इसे हथौड़ी मारी। जो लोग हो नहीं पाते वो दूसरे का बेटवा भी गोद ले लेते हैं होने के लिए नहीं, हाँ वो अज्ञान के कारण, वो और वो बेटवा भी आता है तो सिर्फ धन के लालच से आता है, और अपने जो है पुराने घर के छोटे भाई के पत्नी का भी ध्यान रखता है। ठीक ना, ये सब अज्ञान के कारण है भाई। जब एक बार आप किसी के हो गए हैं हाँ तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो उसका नहीं, उसका ध्यान सिर्फ पैसे के लिए ये ना बा। ठीक ना, तो देखिए जितना ज्ञान मिला तो समझ में आ गया कि शरीर का पालन पोषण करने वाला, बॉडी बिल्डिंग करने वाला, यह अज्ञानी होते हैं। बस शरीर को सत्य और परोपकार में जो लगाया रहेगा, उसी को संतोष और परम संतोष प्राप्त हो सकता। तमो और रजोगुण से कुछ होने वाला नहीं। ठीक ने, तो देखिए अब आप लोगों का चित्त संसार से हट के जब इधर लग रहा है तो शांति अपने आप आ रही है, जिसका अनुभव खुद कर रहे हैं। जब थोड़ा मिल रहा है तो उससे आनंद आ रहा है, तो उसी को और पाने का प्रयास हो रहा है। यही ने, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयो अध्यायः। जैसा अनुभव कर चुके हैं कि जिस प्रकार का भाव चित्त में उत्पन्न होगा, वह भाव कारण बनेगा विचार का। वह भाव ही कारण बनेगा विचार का। जब तक संसार में समझते रहे कि मैं हूं, मेरे हैं,
तब तक वैसे ही विचार और कर्म हुए। अब धीरे धीरे जब समझ जाएंगे कि जो जीवात्मा जो मेरा अस्तित्व है वह परमात्मा श्री राम जी और श्री कृष्ण जी से है, ठीक ना, तो भाव अब उनकी तरफ बढ़ने लगा, तो वैसे ही विचार होने लगे, वैसे ही निष्काम कर्म अपने आप। दबाव में तो नहीं निष्काम कर रहे हैं, दबाव में कोई कर्म नहीं होता। तो भ्राता स्नेह, बंधु स्नेह के कारण मरने के डर से कि हमारे ही बंधु हैं मर जाएंगे बेचारे, उनके डर से अर्जुन जी का हृदय विदीर्ण हो चुका है और करुणा भाव उत्पन्न हुआ, जिसके कारण कायरता आ चुकी है। यही ना गणेश जी? तो हृदय विदीर्ण हो गया और चित्त में करुणा भाव आ गया, यह दो चीजें हैं। तो इन दोनों को मिलने से शोक हुआ। अब ये जब दो मिले तो तिसरका क्या उत्पन्न हुआ? तो इस अध्याय में शरणागत अर्जुन जी द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतिक उपाय पूछे जाने पर पहले पहल भगवान श्री कृष्ण जी ने ग्रहवें से लेकर तीसवें श्लोक तक आत्म तत्व का वर्णन किए हैं, ठीक ना? यद्यपि इस अध्याय में तीसवें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्म योग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है, ठीक ना? सांख्य योग माने ज्ञान योग। अब देखो ये उठना योग दिखाता, लेकिन इनमें अभिमान नहीं बा कि बा नहीं बा, अभिमान नहीं बा, तब जाके वो कर्म कर्म योग, तब जाके जब सांख्य योग भा तब यहां से उपदेश के कार्य। सांख्य योग यानी ज्ञान योग एक ही बा, कर्म योग अलग बा। कर्म योग से ही मुक्ति होएगा, अब तो प्रभु का प्रेरणा से कुल होता नहीं, अभिमान के कारण या कामना के कारण कौनो कर्म गणेश जी नहीं हो रहा बा। देखो समझो यहां तनको जी, इस अध्याय में आत्म तत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है, इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया। पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, तो दूसरा अध्याय हुआ सांख्य योग। तो बुद्धि के अंदर भाव जो उत्पन्न होता है उसका कारण होता है, ठीक ना? और कुछ भी कारण हुआ तो उस कारण का वह प्रभाव है। जैसे बंधु स्नेह कारण बना तो उसमें आसक्ति जो है उस कारण का
आधार है। तो अगर आशक्ति वाला आधार ही हटा दीजिए तो फिर यह कारण नहीं आएगा। बारीकी समझ रहे हैं ना? लगाओ, ठीक ना? ठीक तो ठीक कहे से ठीक नहीं। अगर बुद्धि ऐसा समझ में आ जाए तो फिर अब लगाओ का जगह नहीं। पत्थर पड़े चाहे पानी, चाहे निषाद राज जी के मरे नानी, लेकिन लगाओ का जगह अब तो वही है ना नानी। यही तो जानबूझ के कहने ना, यही से जाने तभी कोई बात नहीं। अगर रहती तो फिर बात हो। समझा? यहाँ कहे कि यहाँ जन्म मरण शरीर के बाद जवन जीवात्मा भगवान में लीन नहीं भल, ओके जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं बा। हाँ इतना जरूर बा कि दुर्लभ शरीरिया छूट जाए, ओकरे बाद तू कल्पो कल्पो के लिए भोगो। यही ने ठीक। तो पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी शंख ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन जी का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय, अपने लोगों का समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण युद्ध से अर्जुन के निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर प्रथम अध्याय की समाप्ति कर दी गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार अर्जुन जी को युद्ध के लिए पुनः तैयार किए, ठीक ना? यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय जी अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं, ठीक ना? तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, यह भ्रम है, यह भ्रम है। 10 दिन तक युद्ध चल चुका है, ठीक ना? वो महाभारत के पुस्तक में चल चुका है यहां तक चल चुका है। काफी कौरव मारे जा चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्योंकि ये बहुत बारीक है, ये जब उस अवस्था में है तो सब समझ में आ रहा है। तो ये जो बात होने जा रही है दूसरे अध्याय में, यह बात संजय जी ने धृतराष्ट्र जी से 10 दिन तक युद्ध हो जाने के पश्चात कही थी। क्यों? कि अब भी संधि कर ले, अब भी संधि कर ले,
यह अभिप्राय समझना चाहिए कि शेष बचे हुए कुटुंब की रक्षा के लिए अब 10 दिन के बाद भी आपको संधि कर लेनी चाहिए। इसी में बुद्धिमत्ता है, क्योंकि अधर्म कभी जीत नहीं सकता। परेशान लोग कर सकते हैं लेकिन विजय, तो यहीं से संजय वाच संजय जी कहते हैं 10 दिन बाद युद्ध छिड़ गई है, 10 दिन बाद कि तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम अविषिदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय जी बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन जी के प्रति भगवान मधुसूदन जी ने यह वचन कहे। मधु तो मधुसूदन कौन है, उनको मधुसूदन क्यों कहते हैं? मधु नाम का दैत्य था, मधु नाम का दैत्य था, उसको भगवान मारे थे, इसी कारण उनका नाम मधुसूदन। भगवान दैत्यों को मारते हैं, संतों को संतों को अपने मिलाते, ठीक ना? तो इसलिए उन्हें मधुसूदन करना मतलब नाम से जाना जाता है, ठीक ना? अब समझ गई ना कि मधुसूदन नहीं अरिसूदन भी कहते हैं इनको, क्योंकि अत्याचारियों का विनाश करना जाने भगवान का काम है, ये हम लोगों का कार्य नहीं। हम लोग प्रेरणा जगा सकते हैं, इस शरीर के पास कहाँ ताकत है कि सबका नहीं बा, लेकिन प्रेरणा जगा सकते हैं और दंभ का दंभ के लिए आंख लाल कर सकते। अगर आंख लाल नहीं कर सकते तो श्री राम जी के सेवक आप नहीं हो सकते, क्योंकि श्री राम जी दंभ का पाखंडन करते हैं, ऐसा विनय पत्रिका में लिखा हुआ है कि आप दंभ का खंडन करके उसे जड़ से निर्मूल करके वेद धर्म का स्थापना करके वापस परम धाम चले जाते हैं। तो जो भगवान के सेवक है वो क्या करेंगे, दंभ का चाटुकारिता करेंगे? अगर दंभ का चाटुकारिता कर रहे हैं तो आप श्री राम जी के सेवक नहीं, ठीक ना? तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी, अब भाव उत्पन्न हुआ अर्जुन जी को, नहीं हृदय विदीर्ण हो गया, ठीक ना? और करुणा के कारण कायरता उत्पन्न हुई, तमाम जो है दलीलें दिए कि इनके मारने से पाप होगा,
पश्चाताप से क्षोभ उत्पन्न होगा, नहीं पहले दे चुके हैं। तो श्री भगवान उवाच कि कुतस्त्वाकसमलमिदम् अविश्वमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् स्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। जने अब सही लगता ने कि क्या बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान जी कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? कि जानते हैं नहीं, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न तो स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही। यह जो अवस्था है इससे यह तीनों कार्य होने वाले नहीं है, ठीक ना? तो मोह माने डरपोक, कातर भाव, कातर कायरता भाव। इसको अर्जुन जी कैसे स्वीकार कर लिए, क्योंकि अर्जुन जी कायर नहीं है, नहीं वो नर अवतार है, ठीक ना? तो भगवान की देखिए ये पहली वाणी है, नहीं कैसे कैसे हो गया। तो क्लैब्यम आस्म गमः पार्थ नै तत्वयुपपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, नपुंसकता को नहीं, नहीं तो कहेंगे कि नपुंसक है, यह कहिए ना। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती, क्योंकि तुम सौरवान हो तो तुम में यह उचित जान नहीं पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रभु कह रहे हैं कि हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। तो यहां पर अर्जुन को पार्थ कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं पार्थ। पार्थ न तत्वयुपपद्धते, तो पार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि कुंती जी का दूसरा नाम पृथा है, कुंती जी का दूसरा नाम पृथा है और कुंती जी वीर माता है, कुंती जी वीर माता है। जब भगवान श्री कृष्ण जी दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ
कुंती जी उनकी बुआ लगती थी। कुंती जी से मिले उस समय कुंती जी ने श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। तो जो वीर माँ होगी वही कहेगी, और जो डरपोक होगी वो कहेगी क्या करे हमारे लड़का के झगड़ा में फंसाई में ओके कैसे हूँ ले आऊते नहीं। आप लोगों को एक बात सांसारिक जीवन में भी इसका प्रमाण है। भगत सिंह जी को जब फांसी हुई तो उनकी माँ से पूछा गया कि आपके पुत्र को फांसी हो गई, आप के अंदर क्या अनुभव हो रहा है? तो कहे काश मैं दूसरी भगत सिंह पैदा कर पाती। ये होता है भाव। तो देखिए सांसारिक जीवन में उस माँ का आज भी नाम लिया जा रहा। डरपोक बनेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। ध्यान दे। हाँ, यहाँ पर एक शब्द आया है परंतप। परंतप इसका क्या तात्पर्य होता है? जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाता हो, जो अपने शत्रुओं को ताप पहुंचाता हो, हाँ जलन, जरा का अर्थ बागी से नहीं, जैसे यहाँ यहाँ कुल पैबे यहाँ जे भी साधु का चोंगा पहने बा पूरे धरती पर सबके ताप मिल रहा बा। सामने हो जाएंगे। देखो ता उसको कहते हैं परम तब, ठीक ने समझ जाए कि शब्द के अगर समझे रह तो बात अच्छे से बैठी। आपके कोई शत्रु आपके ताप से जलता, अब जली, अब आपके यहाँ पावर पहुंचा था ना जौन बोला ले नहीं। तो एक तो जो है श्रेष्ठ कुल में जन्म बा क्षत्रिय कुल में, और दूसरे सही बात बोलत है तो वो तो छटपट ही करी ये ने। तो कहते हैं कि यह तुच्छ दुर्बलता है, माने दुर्बलता में भी ये तुच्छ है, तुच्छ माने नीचे का। तो भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए आगे की दो श्लोकों में अर्जुन जी अपना निश्चय प्रकट करते, ठीक ना? कल समझे रह ले, फिर समझ ले। कि कथम भीष्ममहं संखे अद्रोणम च मधुसूदन इशुभिः प्रतियस्यामि पूजार्हारिसूदनः। अर्जुन जी बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिशूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो एक बार मधुसूदन, एक बार अरिशूदन,
नहीं तो बैरियों का नाश करने के कारण श्री कृष्ण जी को अरिसूदन भी कहते। समझे में कोनो दिक्कत नहीं बा? तो इतना ही नहीं, ईशु माने सिलीमुख बाण, ईशु माने सिलीमुख बाण का प्रयोग करके कहे हैं कि ध्यान दे, बहुत बड़ा जाता बात कि जिन गुरुजनों के प्रति, जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया, माने गुरु के प्रति अगर कोनो रोष भाव वाणी के भी माध्यम से अगर देता है तो इससे भी पाप होता है। माने गुरु के सामने रोष का कहीं जगह नहीं बा। देखो इतना ज्ञान अर्जुन जी के, आज उतना ज्ञान कोई के नहीं बा, बड़े बड़े भक्तन के नहीं। तो कहते हैं कि ऐसे गुरु पर जिनके साथ हल्के वचनों का भी प्रयोग पाप होता है, उन पर तीक्ष बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? जाने मने ये पापाचार हो जाए जहां पर बाणी से भी ठीक ना है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अब अर्जुन जी उस अवस्था में, अभी आप लोग उस अवस्था में नहीं है, लेकिन सीधा ही जान ले कि जो अधर्म का साथ दे वहां पर संबंध का जगह नहीं रह जाता, फिर वो पापाचार। क्योंकि यहाँ न तो कोई मारने वाला है न मरने वाला है, जीवात्मा तो हमेशा जब तक प्रभु के शरण में नहीं आएगी तब तक उसका जन्म मृत्यु से छुटकारा होने वाला नहीं है, उसके लिए अहम भाव का त्याग करना ही पड़ेगा। जब तक लगेगा कि नहीं मैं हूं, मेरा अस्तित्व रहेगा, चाहे मैं नाभदान का बिष्ठा ही खाऊं उससे लेना देना, चाहे गर्भ में टट्टी पिशाब माल मूत्र जितना भी नरक भोगना पड़े, दुख भोगना पड़े, लेकिन मैं रह के ही रहूंगा, तो रहिए कल्पों कल्पों तक भगवान का उससे कुछ लेना देना, जो कुछ भोग रहे हैं सिर्फ अहंकार भाव के कारण। ठीक ना? तो देखिए अर्जुन जी आश्चर्य भाव प्रकट करते हैं, नहीं और बात थी बा, याने तो कहीं इन्हें तनको गलत देखा तो इन्हें उड़ावे में तनको पीछे, अगर अधर्म का अगर साथ दे है तो इन्हों के उड़ावे में ठीक ना, इतना तक अधिकार रखो, अधिकार इन कुल दे दी है याने गणेश जी, अधिकार ही हो बा। तो देखो उचित और अनुचित के जब बात होता तो दू में बुद्धि बा तो फंसी बा, और जब एक में हो गई ना सब भगवान कहो तो वहां बुद्धि के फंसे के कोनो, लेकिन जब निश्चय कर लेबे तब
निश्चयात्मिकता बुद्धि वह अलग होती है। जैसे अब यहाँ देखो जब से मिला भाई है तब से यह ना बाकी भाई देखो सब एक भाई कहाँ भेद पैदा होता। बस यह बा कि हमेशा पानी ऊपर से नीचे ही बहला, नीचे से ऊपर, ऐसे ए शरीरी के चौकी पे बैठाबा तो उसमें नीचे बैठाबा कहे कि लेवे के बा और ये मर्यादा बाई है। और अगर वो ऐसे अगर होते नहीं नीचे बैठते तो इसमें चौकी पे बैठा देते, लेकिन वैसे वो जाए वाला ठीक न। तो उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि आप मुझे इस घोर पापाचार, पापाचार यानी पाप का आचरण में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। अब संघी की तरह सब बातचीत करते हैं जाने, तो अब पूछबे उनसे कुछ हो तब जवाब, और वो जवाब आपके संतोष दे। जो ने जवाब से संतोष नहीं हो तो उनका बात नहीं मनते ने। अब यहाँ से संतोष होता, आधार मिलता, यही से मानत। देखा भाव बात एकदम सफल महाराज की। अब यहाँ जब मिलत है आधार पूर्ण से कहाँ तक तो कहते हैं अर्जुन जी कि जब ऐसी स्थिति है ठीक ना, तो इतना पूछ करके फिर बोल रहे हैं, बोला भी नहीं देते कृष्ण जी केकरे आगे भी बात बा कि गुरु न हत्वा ही महानुभावा अच्छे यो भूख तुम भेक्षम पी है लोके हत्वार्थ कामामस्तु गुरु निहै व भूज्य भोगान रुधिर प्रदिग्धान। कहते हैं कि इसलिए इन महानुभाव गुरु जनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। नहीं चाहिए राज, नहीं चाहिए तीनों लोग, इन एक गुरु जी लोग महानुभाव हैं तो इन गुरुजनों को मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। अरे मार देना तो जोन मिला उनके खून से सोनी का ने ऐसे दिखावक मैं देखे में नहीं सुना बा, लेकिन सन रुधिर से जने तो अब देखो बुद्धि हृदय विदीर्ण बा और कायरता से का भाव बा तब उनमें शोक बा तब जाके ये कुल जो है बाणी निकलता यह ने। तो अब ये सब भाव के कभी जगह देवे तो कहे में तो सीधे कहते नहीं महाराज, लेकिन जब तक श्वास रहे तब तक ये भाव के बस में मत हो ने। जाने
संजय जी, अरे अर्जुन जी क्षत्रिय कुल में रहने, तो अब देखो कहते हैं कि अर्जुन जी कम से कम बन के सुनो, कम से कम नहीं तो जब तक अर्जुन जी बनबे ना तब तक आगे के बात समझ में न आई। तो मान ला कि तोहरे द्वारा ऐसा होता, अर्जुन जी की जगह अपने आप को रखबे तो अपने मन का भाव भी कि हृदय विदीर्ण बा करुणा से कायरता उत्पन्न होगा बा शोक बा, ऐसे अवस्था में ऐसे ऐसे काम होता, ऐसा ऐसा वाणी निकलता, अपने को स्थान पे रखबे और अनुभव करत जइबे तब आगे बात समझ में आई। ठीक ने, तो वास्तव में जो अर्जुन जी का अनुभव है गुरु द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, पितामह भीष्म जी का अनुभव है कि इन लोगों का भाव वास्तव में बहुत ही उदार और महान रहा है, नहीं ठीक ने, रहा है माने था, अब नहीं है, अब युद्ध में खड़े। तो अगर पुराना भाव लेके अगर सोचबे तो जरूर फंस जाइबे, जाने जैसे नहीं कहे, अब यहाँ ठीक विपरीत व्यवस्था हुआ, सब चरित्र उदार और पवित्र भाव से सेवा भयल, तो जवन जीव आज भी वही भाव से सोची तो कही वो तो बहुत अच्छा रहे, अब ऐसे कैसे हो गए ना भैया, तब वो ऐसे ही बोली ने। तो यहाँ जान ले शिव जी के जहाँ श्वास समर्पित कर लो सीधे धाम भेज दिए, अपने की यहाँ कोई के रखते कहे कहे कि उनका अवस्था बस हमेशा जो है श्री राम जी के चरण के आनंद में डूबा बाय, तो कोई के रखबा तो एक जाने। लेकिन अब ये अवस्था सत्य लोग तक जब पहुंचबे तो मन का वृत्ति अलग हो जाई, तब निवृत्ति होगा, यहाँ कोनो प्रवृत्ति नहीं, तब न वो चारों इच्छा का अंत भल भैया। तो देखो सीखो, क्षत्रिय कुल में जन्म बने राम खिलावन भाई, क्षत्रिय कुल में बने तो जानो आपके लिए विशेष उपदेश बा। प्रश्न यह है कौतन भिक्षा मांग के भी खा ले नहीं, तो प्रश्न है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो जान लीजिए कि इसका यह भाव है कि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंद है, निंदनीय है, भिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, क्षत्रियों को भिक्षा मांग के खाने का अधिकार उसके नीचे और किसी को नहीं, ठीक ना, क्षत्रिय और उसके नीचे किसी वैश्य शूद्र को भी नहीं है। वैश्य के लिए शिव जी की भक्ति करिए, व्यवसाय करिए, आप वहां पर रहिए, शूद्र के लिए आप सेवा भाव करिए, लेकिन ब्राह्मण के लिए भिक्षा है, क्योंकि और कोई जरूरी नहीं। आप तो देखिए अमृत वृत्ति में आ गए, यहाँ पर तो भिक्षा भी नहीं रहा, ठीक ना, ये सब श्रेणियां हैं, ठीक ना। तो जान लीजिए कि क्षत्रियों के लिए भिक्षा निंद है, माने निंदनीय है, यानी अब कभी भीख देखा बाबा,
काहे कि एक एक चीज हाँ, तथापि उसके बावजूद भी गुरुजनों का संहार करके राज भोगने की अपेक्षा वह निंद कर्म भी कहीं अच्छा है। तो उन्हें गुरुजन दिखाते हैं वहां पाप का साथ देते हैं तो वो नहीं दिखाते हैं, कहे कि उनकर बुद्धि विकल्प हो गई बा यह ने ठीक ने। तो क्षत्रियों और वैश्य शूद्रों के लिए भिक्षा याचन यह शास्त्रों में निंदनीय कर्म है। और आज देखो तो कुल भी नहीं, बस खाली मिल जा पहने के कहीं से, और ना ही बात कोनो साधु के मार के भी ओकर छीन के पहन के घूमी है, नहीं बहुत सा कतनी बहन जाने। तो इस प्रकार अब देखो, अब गुरु के भाव में बहन नहीं, इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, जब निश्चय कर ले ले तो फिर शंका कित हुआ क्या, तब वे फिर कहने लगे। देखा जब तक स्थिति स्थिर नहीं हो ऐसे कैसे नहीं, वही में गोल गोल नहीं ऐसे कैसे ये ना। तो क्या कह रहे हैं, कि नचैत द्विग्न कतरन्नो गरियो यदा जमेय यदि जमे यदि वानो जयेयु अयाने वहत्वान जिजी विषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्थ राष्ट्रा। यानी हम यह भी नहीं जानते, शंका होगल कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते। नहीं देखो यहाँ जोन भाव बा, इन्हें मार के तू जिए चाहे नहीं, नहीं कहे की स्थिति एकदम अलग बा। वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े है, तो शंका होएगा नहीं। तो जब बुद्धि काम नहीं करत तब आदमी वह शरण में जाला, जब अपन कोनो प्रकार से काम नहीं करेस तबे बात आगे बढ़ी यह ने। तो इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी की शरण ग्रहण करके अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, ठीक ना।
कि हमारा निश्चित कर्तव्य क्या है नाथ, अब आप ही मेरा बेड़ा पार। प्रभु के अलावा कोई बेड़ा पार करे वाला, देखो अनुभव करो है, तो नहीं कि कृपा से होता ना भाई, नहीं समझ तो वह रहा, लेकिन अब समझ में आता कि वो उचित नहीं रहा और वो दूसरे दिशा में ले जात रहा। तो ध्यान दे, कहते हैं कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव अपृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयः स्यान्निश्चितम् ब्रूहितन् मे शिष्टिस्तेऽहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। जाने कभे ऐसन ऐसन शब्द बा है सरल सरल भाषा में, लेकिन इतना कठिन भाषा सीखे में ध्यान के केंद्रित करही के पड़ी नहीं, और तो ये जरूरी बा ओकरे बदे ध्यान केंद्रित करे बदे जरूरी। तो प्रार्थना करते हैं कि हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, इतना पता बा अर्जुन जी के कि कायरता रूपी दोष भी उत्पन्न हो गया और धर्म के विषय में मोहित चित्त भी हो गया। प्रभु मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो, ठीक ने, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। बता दिए, यानी शिष्य यानी शरण में होना, शिष्य का अर्थ भाई है शरण में होना, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। आज देख लीजिए, ये तो अर्जुन जी कह रहे हैं, यहां पर चरित्र भी उत्पन्न किए, शिक्षा भी दे दिए और कल्याण कारक व्यवस्था भी दे दिए कि भैया देवता लोगन के तब भोग का वस्तु चाहला, नहीं जाला मिठाई चढ़ावला न लड्डू, नहीं एन लड्डुओ न चाही, चावल और बेल पत्र भी न चाही, खाली इतना सेवा कर ले जा कि कपट त्याग के कान मन बुद्धि और चित लगा के खाली सुन ले और उसे परम धाम प्राप्त हो जाई। गहराई पकड़ो, और यह आपका सेवा बा, ध्यान दे संत का महिमा कहाँ पहुंचाता, यही से विधि हरि हर कवि कोविद वाणी अकहत साधु महिमा सकू। यह कुछ चाहत, अगर इतनो कोई सेवा न करे और कहे हमें न प्रेम करीला, का प्रेम बा, लिए ने और
गणेश जी जेके भी अकेला अवस्था प्राप्त हो जाए वो अपने आप के बहुत बड़ा भाग्यशाली जाने जाने, लेकिन जब विषयी लोग बार उन्हें जब तक दो चार लोगों से मिलते जुलते नहीं तब तक उन्हें शांति नहीं मिले ये ने कहे कि देखो कोई भी अगर साथे रही तो कर देख रेख करबत साधना कहा से हो ठीक ने। तो इसमें एक शब्द आया है पहला कार पड़ माने कंजूस। तो यहां अर्जुन जी ध्यान दीजिए वे लोभ जनित कंजूस नहीं है, लोभ जनित कंजूस नहीं है, न तो भोगा शक्ति ही है, भोग विलास की भी आसक्ति के कारण वह कृपणता नहीं है, स्वभाव से ही अत्यंत उदार दानी और इंद्रिय विजयी पुरुष है अर्जुन जी। उदार माने अंदर बाहर एक, अंदर बाहर वह उदारता बा, तो देखा क्या उदार दिखायल इतना जगह तो घूम ले यही ने। तो सोचिए कि जो अत्यंत उदार हो दानी हो और इंद्री पर विजय प्राप्त हो गया हो उसको भी बंधु स्नेह हृदय विदीर्ण कर देता। और यहां भी देख ला बंधु आकर के चला गया नहीं देखो नहीं करे तो निश्चित बाकी मामला कुछ पकड़ा बारीकी कहे कि सब आके अनुभव अनुभव कराई ये ने कहे कि राम जी भाई भी बड़ा ध्यान से रहन जब वो भतीजा सरोजा ये सब लोग आ रहे आप रहले हाँ रहले तो सब बड़ा ध्यान से अनुभव करते हैं कि इनके क्या वो मोह माया वाला आसक्ति कहीं और सही में ना ही है जाने अगर रहत न हाँ ये ने धीरे बाहर वहीं सब ही आ गए ना यही ने महाराज जब जाने सब आ गए तब के रह गया बस ये आवश्यक तब ध्यान दे। तो अर्जुन जी ऐसे हैं उदार दानी इंद्री विजय और निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर लिए हैं ऐसे भी जीव है ना हेमे तनको वो मतलब है अगर कपट करवे कब अरे यार जब वो ना इससे हो के इससे होगा तो हमने ही तनको सोचे के जरूरत कहे कि प्रभु का कृपा बा वो अनुभव से अनुभव लेके अपने अंदर ऐसन चीज मत हुए दे सीधी बात बा जो धर्म पे नहीं है उससे कहीं लगाओ नहीं ठीक ना अपने आप को स्थिर रहेंगे तो निश्चित है कि जिससे लगाव रहा है आपका आपकी स्थिरता देख करके संभव है कि वह भी एक दिन आपके रूप में स्थिर तब संभव जब प्रकार हिली तो पेंसिल के पास ताकत कहा बाकी संतुलित हो जाए तो जब पुरुष हिली है ये ने जैसे आज ये शारीरिक अवस्था देखो शांति सभी के मिला था जे जे जहां जहां बाड़ी सुना था मिला था स्थिरता बात लोग अपन यह स्थिरता प्राप्त करता। तो अर्जुन जी आदर्श क्षत्रिय है। अर्जुन जी का चरित्र पूरा सुनिए ठीक ना और आदर्श बनिए। स्वाभाविक ही सूरवीर है माने सूरता वीरता उनके स्वभाव में बैठी हुई है उसके बाद भी ये स्थिति और जेकरे स्वभाव में ही डरपोक बा तो ओकरे अंदर तो जा अरे यार यहाँ तो बड़ा झगड़ा बा भागो डरपोक लोग भगी है ने नहीं
यहाँ इतना तगड़ा तगड़ा बाड़ी दिया था, इतना पड़ा बैन 30 मीटर के खाई भी बा 30 मीटर हुई ने जने। दरअसल जब 30 मीटर कहले ने, एक दिन वहाँ इतना खड़ा होके पिताजी यानी श्री शिव बलि पांडे जी के धोती सफेद की 5 मीटर के होला, तो वही से अंदाजा लगाओ थे तो लगा कि नहीं वो होबे कही माने सही। हाँ अब यहाँ कहा मीटर से नापे जाइए, तो वह 5 मीटर वाला धोतिया से समझे इनकी 30 मीटर तो होबे करी ने। इतना तगड़ा आवाज दे के कैसे बैठी भाई। तो जब धर्म नहीं समझ में आवा तो इतना आदमी मूड हो जाला कि ऐसने में का करे के। और शिव जी का यह कृपा रहा कि शरीर मूड कहीं नहीं भैल। एक सामने देखो कितन कितन परिस्थिति आयल, पंडित जी से लेके हर कोई जो है कि इनके विपक्ष में रहा। अंतिम में चारों आश्रम का त्याग करके ही अगर सुमति बचा तो तब बचाए तो आप लोगों के मिलता ये ना भैया। हाँ तो कहा हो। तो धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिसका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया हो उसे धर्म सम्मूढ़ चेता कहते। आज देखब तो कोई कह कहाँ बा सब उसे ही होगा बैन नहीं। तो यह जान ले एकदम भैया सरल भाषा में कि ये मनुष्य शरीर का चाहे नर हो नारी हो नपुंसक हो कोई हो, मनुष्य शरीर का लक्ष्य भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण है। भगवत प्राप्ति हो गया तो वह अधर्मियों पर विचार नहीं करेगा। नहीं बुध नहीं कर ही अधम कर संगा, ठीक न। विद्वान लोग अधर्मी के साथ नहीं करते यही ने। तो इतना तो कह दिए। इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करके ठीक ना, अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते। खलिया एक मिलाल कथा संपन्न भात लगा विचार कहे कि का करब था विचार लेके। जब समझ में आवा था भैया की बुद्धि तो आज फौसा हो तब वो तू कब हम कह थे तू मानो है? बड़ा डांट लगा जने कि भाई जब समझ में आ गल कि बुद्धि तो आज फौसा हो तो तू ओकरे अंदर के बात करबा, ओकरे अंदर से इनकर कुछ लेना देना है नहीं, इन तो तुके बुलावा नहीं गए जने। ठीक दरअसल का होला ना कि अपने से जो अच्छा लगता जे ओके मान ले ले और वही आचरण के ही श्रेष्ठ समझता है, वही में बुद्धि गई बा एकदम मज तो वह बार बार निकली। तो श्री राम जी के अलावा जाने माने परमात्मा के अलावा आपके बुद्धि के कहीं से भी प्रेरणा मिले
जना गणेश जी वो कभी पवित्र प्रेरणा हो ही नहीं सका। जने अनिल भाई जो है वो कारी भरे में बड़ा तेज है जने। नहीं पक्का निषाद राज जी जने क्या करे बोले जो ना वो पुराना स्वभाव छोड़े के पड़ा ला अगर वो ना छुट्टी तो कुछ हुआ वाला नहीं बा छोड़ना ही बा और जे बुद्धिमान बा वैसे ही छोड़ दे करे जने ये तो कीड़ा बा कहे कि वो विषय बढ़ावा था पुराना स्वभाव विषय बढ़ावा रहा कि नहीं। तो विचारों को क्या प्रकट कर रहे हैं सुनिए कि न ही प्रपश्यामि ममापनु दाद अच्छोक मुच्छोष्णम् इंद्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पत्नमृदम् राज्यम् असुराणामपि चाधिपत्यम्। कहते हैं क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। मतलब हमें सब भी मिल जाए तब वो ये हमारा शोक दूर हुआ वाला जाने गणेश जी ताजन सब छोड़ भी देहेन सबके मिल भी गयल तब वो शोक दूर होए वाला। तो ओकरे बाद ले यह ज्ञान यही से शोक दूर मतलब पूरा यह न क्या है कि वो में शोक दूर करे के ताकते रही बा यह न। तो इसके बाद अर्जुन जी क्या बतलाए तो संजय वाच वो कथा वाला भाव नहीं आवत जैसे समझ में आ जाओ वह भाव रहला वो कहिए तो देखे लगता ना थोड़ा। तो संजय जी बोले कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप अन्नायोस्यैति गोविन्द मुक्त्वा तुष्णीं बभूवः। बोले कि हे राजन गुडाकेश माने जो निद्रा को जीत ले जो निद्रा को जीत ले। कहते हे राजन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन जी अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए कि युद्ध नहीं करूंगा। अब ऐसा ही देखा संसार वाले बहन सबके पता बाकी इनके ऊपर तमाम प्रकार से गाली मार पड़ा लेकिन कोई खोड़ा नहीं भर। अब जब वो भाव चला गया तो अब क्या कर बे और ये जान ले श्री राम खिलावन भाई ये चित्त के अंदर अगर वो भाव आई तो उतर जो है गणेश जी के सूचना दही है कि देखा गणेश जी अब रवि शंकर का भाव आएगा या प्रकाश चंद्र सुपकार का भाव एमए यहां से कपट होए वाला
कहे कि कुल जितना सेवा भयल कुल पवित्र भाव से भयल भाई, और ये भगवान शंकर जी के साथ साक्षी दे करके कहा था बात कि जब तक वो भाव न आई तब तक कोई के यहाँ बाड़ी आवे के जरूरत नहीं बा। ठीक ना गणेश जी, अब वो भाव गल धाम में, अब धाम में जब पहुंच जाई नहीं यहाँ एक बात समझो, पहले भी समझे रहा फूल गल होगा फिर समझ ले। मान ले कुआं में कोई के फेंक दिले, ठीक, और ओकरे बाद ओके कुआं में व्यवस्था कर दिले चावल दाल रोटी सब्जी के जने, तो तू ओके अच्छा तो लगबे, ओके अच्छा लगबे, देखा के एकदम समझो आधार, ठीक ने। और एन के प्रकार एन अगर ओके निकाल ले ले बहरे, तो उसे कहो कि ऐसा कर फिर तू वही में जो अब तोके जो है बढ़िया पराठा खीर पूड़ी मलाई कुल दे, तू कुआं में जाई वो भागी बड़ी थी। वो कुआं में जाए वाला देखा भाई ये ने, हाँ अभी हो कि जैसे अब ऐसा प्राणी अगर उत्पन्न हो जे कि अपने अवस्था के परम धाम में रखे में सक्षम हो धरती पर रहते हुए, तो ओकर चरित्र होई, चरित्र होई तो अपने आप उजागर होई, तो फिर ए पवित्रता का पहचान हो जाई, और पहचान हो जाई तो यहाँ प्रार्थना लोग करी है तब कहीं दर्शन के संयोग तो एक क्या कहल है जो पंडित जी क्या रखा जाले लगन तब बन सके तो बन सके। देखे बाबा कि बिनु पद चलई असुनई बिनु काना, अब बिनु कर करम करे विधि नाना, नहीं कहिए ये तो बड़ा मुश्किल दिखा था। तो एन जीवन में कोई सन कमवा नहीं करे बहन जवान असंभव ना रहा हो यो जान ले, नहीं इनका जितना काम बन है संभव कर से कुल करता है सब कोई है नहीं। 16 साल के अवस्था में एक लड़का के घरे से निकाल दे वो का करी विश्व का मुख्य वैज्ञानिक बन के बाद बैठ के जो ना भगवान के कथा करी पूरे धरती पर ऐसा एक चरित्र दिखावा कोई, ये कोनो अभिमान का बात नहीं बा लेकिन समझे के बात बा। हाँ भाई पवित्र कर्मों कर रहा उकरे बाद में कलंको लेके जिया, और लोग अगर पुराने भाव के बात कर तार भाव शंकर जी की है जा शंकर जी से अपन भाव ले हाँ ये ठीक ने। तो सीधा सीधा इतना दलील देवे के बाद अब समझा जीव जब अर्जुन जी के अवस्था में जाई तब ओकर परीक्षा हुई। भगवान समझत है कि कहाँ कहाँ से तुहार बुद्धि बहुत हो, अगर एक को बाड़ी आवाला तो यहाँ से तुरंत समझ में वाला कहाँ से बोलत है, तब पुराना स्वभाव छोड़ देवे ने कि फिर फोन आ जाए तो लगभग पीछे पीछे दौड़े। निषाद राज भाई देखो निषाद राज जी का अगर सम्मान मिला तो ये सम्मान के बचा ले, इन कोई के माता अनसुईया के जगह दहन वो नहीं बचा पाई। अब अनसुईया के मतलब बाकी लड़कन के जो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप प्रकट करो, आदि शक्ति के जगह देहन लौकुश के जगह देहन, तब ही तक तो देखा भवा कोई स्थिर नहीं करेबा। गणेश जी
अब देखा तोहरा पर बाकुल दारो मदार, जब तू गणेश जी के भाव में पक्का हो जाए जाने तब जो है कि अब निषाद राज भाई सुधरे वाला। देखा भाई एक तनको मजाक में मत ले, कहे कि मैं बहुत कहे कि हर एक चीज का सीमा बना भैया, या बतावा गलत रास्ते पर बाय तो देखो बन जा जा। अब सब जने एक दूसरे के सहारे मत रहो, अपने अपन राम जी खिलाओ ये ने जने। तो भगवान तो अंतर्यामी है, उन तो सब समझा था कि तू ऐसे कहे कहत है नहीं आ। तो संजय जी कहते हैं कि तमुवाच ऋषिकेश अप्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर मध्ये विषिदन्तमिदं वचः, कि हे भरत वंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज जी दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन जी को हंसते हुए से यह वचन बोले। हंस रहे हैं यानी जब बेवकूफी के बस में बाहे कहता है कि युद्ध के लिए तैयार हो जा, ये तो के शोभा नहीं देता, श्रेष्ठ पुरुष ऐसा नहीं करता है। तो ओकरे बाद भी अगर दलील पे दलील देबे तो तू अपने बेवकूफी का सीमा बढ़ावता है। जैसे शरीरी के माध्यम से बार बार लोगन के संकेत गयल कि हाँ मौन रहो या ई चरित्र धारण करो ई करो, लेकिन लोग अपने दलील पे दलील अपने बुद्धि लगाई है, और जब तक जे यहाँ पर बुद्धि फंसी हुई लगावत रही ओकर बुद्धि स्थिर होवे वाला आपका बाड़ी काटेन, आप कहले कि कल्याण हुआ वाला नहीं बा, कल्याण तो होना ही हो, कहे कि सबके अंदर बैठा ले बात तब ना निर्मोही बने, समझो जब सबके भाव के मिला देबे याने तब जो है कि एक भाव प्रकट करे का अधिकार न रही, कोई के साथे लगाव वाला भाव कहाँ कर सकल है। जब सबकर भाव मिल गल तो फिर कोई के साथे भाव लगावे का अधिकार खत्म, तब भाव के जगह यह प्रमाण बा कि सबके अंदर देके कल्याण तो करिए ठीक ना, लेकिन यह कि अब सब जने के यह बा कि देखे तू कितना तपस्या कर ले तो का कोई देखी, रवि गुरु गैन प्रकाशो गैन आत्मा बनावा उसम हमेशा रही ऐसे ही। सुधरो चार साल में सुधरो, चाहे 10 साल में सुधरो, चाहे अंतिम सुधरो, सुधरना तो बाही बा, लेकिन यह है कि वहां थोड़ा सा यह रह जाए कि यार जोने रविशंकर का शरीर इतना जो है सम्मान के साथ सेवा करे आ, हमार अंत होगा कुछ कर। अब वो तो भाई देखो वहू बद दे देता है कि सेवा तो कर जा, कपट त्याग करके यह सुन ले, ये सेवा में ही उन्हें संतुष्टि मिल जाए। तो कोई अगर इतना न करी ऐसे सस्ता ऐसे अच्छा ये धरती पे कोनो सेवा नहीं हो सकत, न तो कोनो राक्षस न कोनो देवता न कोनो यक्ष न किन्नर न गंधर्व न भूत न प्रेत न ब्रह्मा न विष्णु न तो शंकर, इतना लोग तक भी ई सेवा देवे में समर्थ नहीं है, नहीं है। समझा जाए बात के, शंकर जी का नाम लेने पर घबराया मत, कहे कि बेलपत्र और चावल उन्हें बात बड़ा बारीक बा और इतना कहता है कि ये सुनी याने? उस सुनते सुनते वो अपने सेवा भी मिल जाए दर्शन भी मिल जाए, लेकिन अगर कोई हट करे कि हम सुनबे ना करो तो मोरो कल्याण तो
कल्याण का जिम्मेदारी ले कल्याण तो करो था ये न भाग गणेश जी जाने तो आज जब एकदम सीधे कह दे स्पष्ट कह के चुप हो गए कि हम युद्ध न करो तो यही ठिना से अब यह ग्रहवा श्लोक से भगवान 30 श्लोक तक आत्मा के स्वरूप का वर्णन करिए ठीक ना। तब एक श्लोक तक कम से कम भगवान के वाणी से शुरुआत हो जाए और एक बात का पूरा प्रसंग बड़ा आनंदमयी बा। तो श्री भगवान उवाच कि अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे अगतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडितः। अभी रामायण वाले की तरह तो न बैठी लेकिन कुछ वो सही लहावत है ने? या तो कैसे कहो कि अशोच्यानन शोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे अगता सुन गता सुंचम गता सुन गता सुंच नानु शोचन्ति पंडितः। यानी श्री भगवान कृष्ण जी बोले कि हे अर्जुन तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। मनुष्य शोक करने के योग्य नहीं है ये जान लीजिए क्योंकि यहीं से शुरुआत है। और पंडितों कैसे वचन कहता है जैसे पंडित जी वचन बोलते हैं वही सब वचन भी बोलता है परंतु जिनके प्राण चले गए हैं जाने उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन यानी विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। विद्वान पुरुष जिनके प्राण चले गए उनके लिए जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए दोनों के लिए शोक नहीं करते। तब ऐसा बुद्धि के करो स्थिर अगर कोई के बदले शोक करे के बाद दोबारा दर्शन देवे की जरूरत एन पूछिए नो आके बताए खुद है कि नहीं महाराज अब भगवान के बाड़ी माने के बाद अब कोई का शोक करे के बाद कि नहीं करे के बाद अगर शोक करे के बाद तो फिर क्या करवे आगे बात सुन के नहीं ये ने। तो आज इसी वाणी के साथ बोलिए कृष्ण भगवान की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय हर हर महादेव जय श्री राम जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा श्री राम।